सुप्रभात बच्चों, मैं आपके डेली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की शिक्षिका पूजा ओझा आपके समक्ष आज पुस्तक से परे ज्ञान हमें कहां से प्राप्त होता है। आप कहेंगे पुस्तक से जरूर, पर क्या पुस्तक के बाहर कोई ज्ञान नहीं? ऐसा नहीं, पुस्तक के बाहर भी ज्ञान का अथाह भंडार है। तो आज का हमारा विषय है पुस्तक से परे। आज हम भाषा के बारे में जानेंगे। मानव का स्वभाव ही है अपने आप को व्यक्त करना, और भाषा के अभाव में अभिव्यक्ति शून्य है। जैसे जैसे मानव विकास करता है वैसे वैसे ही भाषा भी विकसित होती है। अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए मानव ने भाषा का प्रयोग करना सीखा। कल्पना करें कि अगर भाषा ना हो तो क्या हो, नहीं कर सकते है ना। कल्पना करने के लिए भी भाषा की आवश्यकता होती है, तथा भाषा संसार को एक दूसरे से जोड़ कर रखती है। हम भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे का स्वभाव, एक दूसरे की धर्म, एक दूसरे की जाति के बारे में जानते हैं। भाषा के अभाव में प्रशासनिक कार्य भी संपन्न नहीं हो सकते हैं। भाषा एक राष्ट्र का, उसकी उन्नति का आधारशिला है। माने अगर भाषा ना होती तो क्या हम ज्ञान प्राप्त कर सकते, क्या हम पढ़ सकते? देखा जाए तो ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी, इतिहास, भूगोल, संसार के कण कण में भाषा बसा हुआ है, तथा भाषा के अभाव में हमारा जीवन शून्य सा है। भाषा हमारे विचारों के साथ साथ हमारी भावों, भावनाओं का भी आदान प्रदान करती है। मनुष्य विचारशील प्राणी है, तथा अपने विचारों को प्रकट करने के लिए उसे भाषा की आवश्यकता पड़ती है। भाषा समाज के सभी सदस्यों को एक सूत में पिरोती है, तथा कबीर दास के अनुसार पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, धाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। उसी प्रकार भाषा विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम सब भाषा के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं। अगर भाषा ना होती तो आज मैं यहाँ ना होती और आप मुझे सुन ना रहे होते। कि भाषा मनुष्य को एक माला में पिरोता है। बिना भाषा के मनुष्य वह मूर्ति के समान है जो देख चल फिर तो सकता है लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता है। इसी तरह भाषा के महत्व को और आगे बढ़ाने के लिए मैं पुनः आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।